अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द नावल सन्स एंड लवर्स बाय डी एच लॉरेंस। सबसे पहले हम शॉर्ट बायोग्राफी डिस्कस करेंगे इस जो नावल के राइटर हैं उसके बारे में, और उसके बाद फिर हम इसकी समरी देखेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करती हैं समरी ऑफ द नावल सन्स एंड लवर्स बाय लॉरेंस। देखते हैं समरी ऑफ सन्स एंड लवर्स बाय डी एच लॉरेंस। डी एच लॉरेंस 1885 में पैदा हुए, 1930 में उनकी डेथ हुई। वाज एन इंग्लिश नावलिस्ट, पोइट एंड एजियस्ट। ही वाज बॉर्न इन नॉटिंगहैमशायर इंग्लैंड एंड अटेंडेड नॉटिंगहैम यूनिवर्सिटी कॉलेज। लॉरेंस राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ सेक्सुअलिटी, इमोशनल रिलेशनशिप एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल इन सोसाइटी। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर एंड द रेनबो। तो डी एच लॉरेंस 1885 को पैदा हुए, 1930 यानी 1930 में उनकी डेथ हुई। एक इंग्लिश नावलिस्ट थे, पोइट थे, मजमून निगार थे। वो नॉटिंगहैमशायर इंग्लैंड में पैदा हुए और उन्होंने नॉटिंगहैम यूनिवर्सिटी कॉलेज अटेंड की। तो लॉरेंस का जो राइटिंग स्टाइल है वो एक्सप्लोर करते हैं, जो बेसिकली हम उनसे थीम्स ले सकते हैं, सेक्सुअलिटी की थीम्स हैं, इमोशनल रिलेशनशिप की, और जो चैलेंजेस कोई शख्स फेस करता है सोसाइटी में उस हवाले से। तो उसके जो फेमस वर्क हैं उसमें सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर एंड द रेनबो, ये उसके ना फेमस वर्क हैं। तो आगे समरी है, सन्स एंड लवर्स बाय डी एच लॉरेंस is a novel that explore the emotional struggle of the moral family in a social mining town in England. to sons and lovers by dh lawrence ek novel hai jo explore karta hai emotional struggle ko kisi bhi moral family ki jo ki england ke ek town mein hai. gertrude moral is dissatisfied with her life and her husband's lack of ambition, devoting herself to her children instead. to gertrude moral jo hai wo मुतमइन नहीं है अपनी ज़िंदगी से और अपने शोर के जो मतलब कम या लैक ऑफ एम्बिशन है उस वाले से, और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है अपनी बच्चों में। एज़ पॉल ग्रोज ऑल्डर ही बिकम्स इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ हिज मदर्स अनहैप्पीनेस एंड बिगेंस टू रिसेंट हिज फादर फॉर काजिंग इट। जैसे जैसे पॉल जो है वो उसकी उम्र बढ़ती जा रही है तो वो मतलब ज़्यादा जो अवेयरनेस है, जो वाकफियत है, वो अपनी माँ की अनहैप्पीनेस, जो उसकी खुशी नहीं है उसके हवाले से वो आगाह होता जा रहे हैं, और वो मतलब अपना शुरू कर रहे हैं जो अपने जो वाले साहब के साथ उसकी जो वजूहात हैं जो चल रही हैं, तो उस हवाले से। पॉल स्ट्रगल्स टू कनेक्ट इमोशनली विद द वोमेन इन हिज लाइफ इंक्लूडिंग मीरियम एंड क्लारा एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली कंज्यूम्ड बाई हिज फीलिंग फॉर हिज मदर। तो पॉल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो इमोशनली कनेक्ट रह सके औरत के साथ उस वो लाइफ में, और मेरियम और क्लारा के साथ भी, और वो जो है वो कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा फीलिंग अपनी माँ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वाल्टर्स हैवी ड्रिंकिंग एंड इनफिडेलिटी काज गर्ट्रूड टू बिकम इल एंड शी इवेंचुअली डाइज लिविंग पॉल डिवास्टेड। तो वाल्टर जो बहुत ज़्यादा ड्रंक करते हैं या पीते हैं, तो और उसके अलावा जो उसकी और मसाइल हैं, तो वो वजह बनती हैं गर्ट्रूड की, वो बीमार पड़ जाती है और फिर वो आखिरकार मर जाती है पॉल को अकेला छोड़ के। ही बिकम्स इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड एंड फाइंड सुलेस इन हिज आर्ट। तो वो ख़ुद को फिर उसके बाद आइसोलेट कर लेता है, तन्हा खामोश कर लेता है अपने आप को। द नावल एंड्स विद पॉल रियलाइजिंग दैट ही मस्ट मूव ऑन एंड लीव हिज पास्ट बिहाइंड, डिटरमाइंड टू फॉर्ज अ न्यू पाथ फॉर हिमसेल्फ। तो नावल का जो इख्तिताम होता है कि पॉल को फिर महसूस होते हैं कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, अपना माजी पीछे छोड़ देना चाहिए और फिर उसे अपने आप के लिए एक नया रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ओवरऑल सन्स एंड लवर्स इज़ अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ फैमिली डायनामिक्स, इमोशनल टर्मोइल एंड द स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री फ्राम द पास्ट। तो मज़ीद बरा सन्स एंड लवर जो है एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है फैमिली डायनामिक्स की, इमोशनल टर्मोइल की, और इसके अलावा जो स्ट्रगल है जो ब्रेक फ्री होती है माजी से। इट हाईलाइट्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास डिटरमाइन वन्स प्रॉस्पेक्ट इन लाइफ। तो ये हाईलाइट करती हैं चैलेंजेस को जो कोई शख्स किसी माशरे में फेस करते हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक क्लास जो होती है वो किसी की ज़िंदगी के प्रॉस्पेक्ट को जाहिर कर रही है। द नावल इज़ अ टाइमलेस मास्टरपीस दैट कंटिन्यूज टू रेजोनेट विद रीडर्स टूडे।
तो नावल जो है वो मास्टरपीस करते हैं कि जो जारी रहते हैं, मतलब आज के जो रीडर हैं उसको भी इससे इंस्पायर करते हैं।